मैग्नेटिंग कपलिंग। इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिंग कपलिंग के बारे में डिस्कस करें। पहले हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नेटिक कपलिंग क्या है। व्हेन टू और मोर कॉइल्स आर क्लोज टू ईच अदर देन द फ्लक्स ड्यू टू करेंट इन वन कॉइल विल लिंक विथ द अनदर कॉइल। यानी कि जब दो या दो से अधिक कॉइल एक दूसरे के नज़दीक में रखे हुए हों, एक दूसरे के क्लोज रखे हुए हों, और किसी एक कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कॉइल वन है और ये कॉइल टू है, दो कॉइल आपस में एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हैं लेकिन ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं, और कॉइल वन में मान लीजिए कि कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कॉइल वन में, कॉइल वन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वह फ्लक्स आपका कॉइल टू से भी लिंक करेगा जो कि इसके बगल में रखा हुआ है, तो कॉइल टू से भी यह फ्लक्स लिंक करेगा। और चूंकि जो करंट है वो एसी नेचर का है, इसलिए यानी कि यह करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इस फ्लक्स के लिंक होने के कारण फैराडे के नियम के अनुसार जो सेकेंड कॉइल में भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। वही यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन टू और मोर कॉइल्स, दो या दो से अधिक कॉइल एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हों, तब किसी एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो फ्लक्स है वो अनदर कॉइल से भी लिंक करेगा। दिस फ्लक्स अफेक्ट्स द ईएमएफ ऑफ द अदर कॉइल्स। और यह जो फ्लक्स है जो कि दूसरे कॉइल से लिंक कर रहा है, तो ये दूसरे कॉइल के ईएमएफ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करेगा, क्योंकि अनदर कॉइल के कारण भी इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। जबकि कॉइल टू में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट सिर्फ कॉइल वन में फ्लो कर रहा है, लेकिन इसी करंट के कारण आपका सेकेंड कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि सेकेंड कॉइल का जो आपका ईएमएफ है वो अफेक्टेड होगा। दीज कॉइल्स आर सेड टू बी म्यूचुअली कपल्ड और मैग्नेटिकली कपल्ड और सिंपली कपल्ड कॉइल्स। और इस प्रकार से जो कॉइल्स हैं, कॉइल का जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार के कॉइल्स को ही म्यूचुअली कपल्ड कॉइल कहा जाता है, या मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, या कपल्ड कॉइल्स कहा जाता है। ये फिगर जो है इसमें आपका दो कॉइल्स हैं, कॉइल वन और कॉइल टू, और कॉइल वन का इंडक्टेंस जो है वो एल वन है, कॉइल टू का इंडक्टेंस एल टू है। मान लिया जाए कि कॉइल वन में आई वन करेंट फ्लो कर रहा है, आई वन एसी करंट है, यानी अल्टरनेटिंग करंट है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इस आई वन करंट के कारण कॉइल वन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वह फ्लक्स आपका कॉइल टू से भी लिंक करेगा, कॉइल टू से भी वह फ्लक्स लिंक करेगा, और फ्लक्स लिंक करने के कारण और एसी फ्लक्स होने के कारण कॉइल टू में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इस अरेंजमेंट को ही मैग्नेटिक कपलिंग कहा जाता है। The amount of EMF induced in the second coil is proportional to the rate of change of current flowing through first coil. यानी कि first coil में current flow होने के कारण second coil में जो EMF induced हो रहा है, second coil में जो EMF induced हो रहा है और first coil में current flow होने के कारण, तो second coil का जो EMF है इसका अमाउंट कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकंड कॉइल में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। यानी फर्स्ट कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा रेट से यह अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो E2 है, E2 कहने का मतलब है कि सेकेंड कॉइल का ईएमएफ है, वो प्रोपोर्शनल होता है कि इस कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो आई वन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो आई वन किस रेट से चेंज कर रहा है, यानी कि डी आई वन बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, यानी कि E2 इजकल टू M21 डी आई वन बाई डी टी, जहाँ एम क्या है, एम को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम को कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है, और 21, ये 21 जो सफिक्स में लगाया गया है वो यही इंडिकेट करता है कि जो वोल्टेज है वो
टू का मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाइल में इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू करंट इन फर्स्ट क्वाइल। वन का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाइल के करंट के कारण सेकेंड क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और इस कॉन्स्टेंट को ही कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि सेकेंड क्वाइल में ही करंट फ्लो हो रहा था, आई टू करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, और इस करंट के कारण अगर फर्स्ट क्वाइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फर्स्ट क्वाइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका अमाउंट प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डी आई टू बाई डी टी, क्योंकि इसमें जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो सेकेंड क्वाइल के करंट के कारण हो रहा है, तो सेकेंड क्वाइल का करंट किस रेट से चेंज कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, या आपका इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंड क्वाइल के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इसके रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ई वन इजकल टू एम डी आई टू बाई डी टी। यहाँ पर हम सफिक्स में वन टू लगाएंगे, वन का मतलब हुआ कि क्वाइल वन में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और इस टू का मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाइल के करंट के कारण, सेकेंड क्वाइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण फर्स्ट क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम एम वन टू सिंबल के रूप में लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको एम से डिनोट किया जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाइल विच अपोजेज द चेंज ऑफ करेंट इन अनदर नेबरिंग क्वाइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि किसी क्वाइल का यह प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किसी क्वाइल का प्रॉपर्टी है, गुण है, जो कि नेबरिंग क्वाइल यानी कि एडजेसेंट क्वाइल यानी बगल वाले क्वाइल में करंट के चेंज होने का अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टीज को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी एग्जिस्ट करता है जब दो क्वाइल आपस में लिंक कर रहे हों। जब दो क्वाइल आपस में लिंक नहीं करेंगे तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वहाँ पे नहीं होगा। इट इज डिनोटेड बाई एम, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से डिनोट किया जाता है, एंड इट्स यूनिट इज हेनरी, और इसका यूनिट जो है वो हेनरी होता है। जब कोई क्वाइल है, एम मान लीजिए कि आपका कोई क्वाइल है, इस क्वाइल में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि आई वन करंट फ्लो हो रहा है, और इस क्वाइल का इंडक्टेंस अगर एल वन है, तो ये एल वन को उस क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, और जो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो आप इसमें ई एफ इंड्यूस्ड होगा उसका फार्मूला होता है ई इजकल टू एल डी आई वाई डी टी। ई एम एफ इजकल टू एल डी आई वाई डी टी, तो ये जो ई एम एफ है ये हुआ आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जिस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसी क्वाइल के करंट के कारण हो रहा है। लेकिन अगर ईएमएफ किसी अनदर क्वाइल के करंट के कारण हो रहा है तो होता है ई इजकल टू एम डी आई वाई डी टी, यानी कि किसी अनदर क्वाइल में यह करंट फ्लो हो रहा है और ईएमएफ किसी अनदर क्वाइल में इंड्यूस्ड हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि करंट क्वाइल वन में करंट फ्लो हो रहा है और ईएमएफ जो है वो क्वाइल टू में इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी म्यूचुअली इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस की जगह पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लिया जाता है, और सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट जो है वो हेनरी ही होता है। इस सर्किट को अगर हम देखें, यह एक म्यूचुअली कपल्ड सर्किट है, तो इस सर्किट में देखें कि दो क्वाइल हैं, क्वाइल वन है, क्वाइल टू है। क्वाइल वन में जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल वन है, और क्वाइल टू का सेल्फ इंडक्टेंस एल टू है, और इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपका एम है। एम दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और करंट क्वाइल वन में भी फ्लो कर रहा है, क्वाइल वन में आई वन करंट फ्लो कर रहा है, और क्वाइल टू में मान लिया जाए कि आई टू करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो ई एम एफ है, क्वाइल वन के अक्रॉस जो ई एम एफ है उसको हमने ई वन से डिनोट किया है, तो क्वाइल वन के अक्रॉस जो ई एम एफ है इसको कैसे लिखेंगे, कि क्वाइल वन के अक्रॉस ई एम एफ जो है ये आपका ई एम एफ, एक तो क्वाइल वन में इसका जो अपना करंट है उसके कारण ई एम एफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ है उसका हमने बताया कि ई इजकल टू एल डी आई वाई डी टी। यानी कि एल वन क्वाइल में, यहाँ एल वन लिखेंगे, और
आई वन करेंट के कारण, यानी कि इसका अपना ही करंट के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा आपको एल वन डी आई वन बाई डी टी। एल वन डी आई वन बाई डी टी जो है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इसका अपना ईएमएफ है, इसके अपने करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इसी कॉइल में, अनदर कॉइल के कारण यानी कि आई टू के कारण भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअली कपल्ड हैं, इसलिए जो सेकेंड कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उस कॉइल के कारण भी फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो होगा आपको ई इजकल टू होता है एम डी आई वाई डी टी। तो यहाँ पे जो आपका करंट है कॉइल टू का करंट है, इसलिए यहाँ पे कॉइल टू का लिखाएगा, यानी कि कॉइल टू के कारण जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है, कॉइल वन में हो रहा है, वो हो गया आपको एम डी आई टू बाई डी टी। डी आई टू बाई डी टी क्योंकि करंट जो है वो सेकेंड कॉइल का है और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो कॉइल वन में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएंगे। और टू वन ये इंडिकेट करता है कि कॉइल टू में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कॉइल यहाँ पे आपका जो है कॉइल वन टू यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि कॉइल वन में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू करंट इन कॉइल टू। यहाँ पे मिस्टेक है, यानी कि एम टू वन के जगह पे यहाँ पे एम वन टू होगा, यानी कि कॉइल वन में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू करंट इन कॉइल टू। और इन दोनों जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इन दोनों के बीच प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा ये डिपेंड करता है कि इन दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है ये आपस में ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉइल वन का फ्लक्स, जो कि आई वन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, और कॉइल टू का फ्लक्स जो कि आई टू के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों फ्लक्स अगर एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में हैं, तो उस केस में यहाँ पे प्लस का साइन होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो एडिटिव नेचर का होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा यानी कि प्लस होगा। और अगर आई वन के कारण जो फ्लक्स है और आई टू के कारण जो फ्लक्स है ये दोनों अगर अपोजिट में हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा इसके बारे में हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, और ये डिपेंड करता है कि ये आपका जो कॉइल की वाइंडिंग है उस कॉइल की वाइंडिंग पर डिपेंड करता है कि वाइंडिंग किस डायरेक्शन में की गई है और उसमें करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से इस सर्किट में अगर हम E2 का इक्वेशन लिखना चाहें, तो ये E2 जो है, एक तो है इसका जो कॉइल 2 का अपना करंट है I2, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका अपना करंट के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा एल टू डी आई टू बाई डी टी, क्योंकि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। तो कॉइल है आपका टू, एल टू इंडक्टेंस है कॉइल टू का, और इसमें अपना जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई टू, तो एल डी आई टू बाई डी टी करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। और इसी कॉइल में आई वन के कारण भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो वो भी इसमें आपका ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो कॉइल वन के कारण जो आपका ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा वो होगा एम डी आई वाई डी टी होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो होता है एम डी आई वाई डी टी। और चूंकि कॉइल टू में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और फर्स्ट कॉइल के कारण हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एम टू वन यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, एम टू वन यहाँ पे लिखेंगे। और किस करंट के कारण हो रहा है, कॉइल टू में कॉइल वन के कारण हो रहा है, तो कॉइल वन का करंट यहाँ पे लिखेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसमें जिस कॉइल के करंट के कारण हो रहा है उस करंट को यहाँ पे लिखेंगे डी आई वन बाई डी टी। तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट कॉइल का जो आपका ईएमएफ है वो हो गया एल वन डी आई वन बाई डी टी प्लस एम डी आई टू बाई डी टी। और उसी प्रकार से जो सेकेंड कॉइल है उसका ईएमएफ हो जाएगा आपको ई टू इजकल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस ऑब्लिक माइनस, दोनों से कोई एक होगा, एम टू वन डी आई वन बाई डी टी। एम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो एम वन टू हो या एम टू वन हो, ये दोनों जो है आपका
मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। बस ये 1-2 जो है वो इंडिकेशन के लिए है कि किस कॉइल में और किस करंट के कारण इंड्यूस्ड हो रहा है, उसके लिए सिर्फ ये सिंबल दिया जाता है। द फ्लक्सेस और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन म्यूचुअली कपल्ड सर्किट में असिस्ट और अपोज ईच अदर, यानी कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है किसी म्यूचुअली कपल्ड सर्किट में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ बाइंडिंग, और ये डिपेंड करता है कि बाइंडिंग का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में बाइंडिंग की गई है, कॉइल का जो बाइंडिंग है उसका किस डायरेक्शन में है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कॉइल, और कॉइल में जो करेंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि ये फ्लक्स और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपस में ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोफिशियंट ऑफ कपलिंग। कोफिशियंट ऑफ कपलिंग क्या है? कोफिशियंट ऑफ कपलिंग को के से इंडिकेट किया जाता है। ये क्या है? जैसे कि दो कॉइल आपस में अगर लिंक कर रहे हैं, दो कॉइल आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, तो जो कॉइल वन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, आई वन के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स कॉइल टू से लिंक कर रहा है, तो कोफिशियंट ऑफ कपलिंग जो है वो ये बताता है कि कितना फ्लक्स कॉइल वन का कितना फ्लक्स कॉइल टू से लिंक कर रहा है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉइल वन का कॉइल वन में जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है आई वन के कारण वो सारे का सारा फ्लक्स कॉइल टू से लिंक करे, कुछ पोर्शन ही लिंक कर सकता है या पूरा का पूरा फ्लक्स भी लिंक कर सकता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है कोफिशियंट ऑफ कपलिंग। अगर कॉइल वन का पूरा फ्लक्स कॉइल टू से लिंक करता है तो उस केस में कोफिशियंट ऑफ कपलिंग जो है वो 1 होता है, यानी कि 100% फ्लक्स जो है आपका लिंक कर रहा है। उसी प्रकार से कॉइल टू का 100% फ्लक्स अगर कॉइल वन से लिंक कर रहा है तो उस केस में के का वैल्यू 1 हो जाता है, और के का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से हमेशा कम ही होगा। अगर फ्लक्स पूरा फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है तो उस केस में कोफिशियंट ऑफ कपलिंग जो है 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0. कुछ भी हो सकता है, यानी 1 से कम कोई भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स जो है वो लिंक कर रहा है, तो उसी को कोफिशियंट ऑफ कपलिंग के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द टू इंडक्टर्स आर कपल्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि कोफिशियंट ऑफ कपलिंग जो है वो इंडिकेट करता है कि दो इंडक्टर किस हद तक आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, यानी कि कितना फ्लक्स जो है वो एक दूसरे से लिंक कर रहा है, उसको कोफिशियंट ऑफ कपलिंग के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। दैट इज, दूसरे शब्दों में कहें, द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ मच ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई वन कॉइल इज लिंक्ड विथ द अदर कॉइल, यानी कोफिशियंट ऑफ कपलिंग एक आइडिया देता है कि कितना फ्लक्स जो है एक कॉइल का, किसी एक कॉइल का कितना फ्लक्स जो है वो दूसरे कॉइल से लिंक कर रहा है। तो इन दोनों कॉइल के बीच जो रिलेशन है फ्लक्स का कि कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, उसी को कोफिशियंट ऑफ कपलिंग के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, उसको के से डिनोट करते हैं। तो दो कॉइल हैं, एक का इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का इंडक्टेंस L2 है, इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है तो M L1 और L2 के बीच रिलेशन होता है कि M इज इक्वल टू होता है K इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2, जहाँ K कोफिशियंट ऑफ कपलिंग है, M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और L1 L2 दोनों कॉइल का अपना अपना सेल्फ इंडक्टेंस है। यानी कह सकते हैं कि जो कोफिशियंट ऑफ कपलिंग के है वो होता है एम बटा अंडर रूट L1 इंटू L2, जहाँ के जो है आपका कोफिशियंट ऑफ कपलिंग है, एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स है, दोनों कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L1 कॉइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस है और L2 कॉइल 2 का सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका यूनिट भी हेनरी होगा, L1 L2 दोनों का यूनिट हेनरी,
और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट जो है वो हेनरी होगा। कोफिशियंट ऑफ कपलिंग जो है ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन डिस्कस करते हैं। डॉट कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोग को ये पता चलेगा कि दो क्वाइल के फ्लक्स या दो क्वाइल के जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हमें डॉट कन्वेंशन से पता चलता है। डॉट कन्वेंशन क्या है? द साइन ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ बाइंडिंग ऑफ द क्वाइल्स, यानी कि जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन, उसका साइन जो है कि प्लस होगा या माइनस होगा, वो क्वाइल्स के बाइंडिंग के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट बाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द क्वाइल। तो लेकिन जो क्वाइल का जो बाइंडिंग का डायरेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फिगर में डिफिकल्ट है। फिगर में देखकर नहीं बताया जा सकता है कि जो क्वाइल की बाइंडिंग है उसका डायरेक्शन क्या है। हेंस डॉट कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ बाइंडिंग और पोलरिटी ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी कि इसलिए डॉट कन्वेंशन का प्रयोग जो है वो बाइंडिंग के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए या इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी पोलरिटी को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए डॉट कन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है। डॉट कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोग क्वाइल के बगल में हम लोग एक डॉट प्लेस किया जाता है और इस डॉट से ही हमें पता चलता है कि जो दोनों क्वाइल हैं वो उनके फ्लक्स आपस में ऐड हो रहे हैं या एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये हमें डॉट कन्वेंशन से पता चलता है। अब जानते हैं कि डॉट कन्वेंशन से हमें कैसे पता चलता है। इफ द करेंट इंटर्स एट डॉटेड टर्मिनल ऑफ वन क्वाइल देन इट इंड्यूसेस ए वोल्टेज एट द अनदर क्वाइल विच इज हैविंग पॉजिटिव पोलरिटी एट द डॉटेड टर्मिनल। डॉट कन्वेंशन क्या कहता है कि दो क्वाइल जो आपस में म्यूचुअली कपल्ड हैं तो इन क्वाइल्स, दोनों क्वाइल्स जो कपल्ड क्वाइल हैं उनमें उनके बाइंडिंग के पास डॉट रखा जाता है, या तो एंट्री पॉइंट पे या तो एग्जिट पॉइंट पे डॉट प्लेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी डॉटेड टर्मिनल से अगर करंट इंटर कर रहा है किसी क्वाइल के डॉटेड टर्मिनल, यानी जहाँ पे डॉट लगाया गया है वहीं से अगर करंट इंटर कर रहा है तो जो अनदर क्वाइल है उसमें भी वही वोल्टेज जो है वो डॉटेड टर्मिनल पे पॉजिटिव पोलरिटी उसकी होगी। कहने का मतलब है कि ये दो क्वाइल हैं L1 और L2 म्यूचुअली कपल्ड क्वाइल हैं, म्यूचुअली कपल्ड हैं या नहीं वो डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों क्वाइल आपस में म्यूचुअली कपल्ड हैं। तो जो पहला क्वाइल है इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और सेकंड क्वाइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस I1 के कारण जो है वो सेकंड क्वाइल में EMF इंड्यूस्ड होगा क्योंकि दोनों म्यूचुअली कपल्ड क्वाइल हैं। और जो फर्स्ट क्वाइल है उसमें अगर हम देखें कि जो डॉट रखा गया है, ये डॉट है, डॉट लगाया गया है, तो जो करंट है वो डॉट से इंटर कर रहा है, डॉट के थ्रू क्वाइल में इंटर कर रहा है। तो जब करंट डॉट के थ्रू करंट क्वाइल में इंटर कर रहा है तो इसके इस करंट के कारण जो सेकंड क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसमें भी जहाँ पे डॉट रखा हुआ है वहाँ पे उसकी उस ईएमएफ की जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलरिटी वहाँ पे प्लस होगी और जहाँ डॉट नहीं है वहाँ पे निगेटिव होगी। यानी कि अगर करंट डॉट से इंटर करता है, डॉटेड टर्मिनल से इंटर करता है, तो जो सेकंड क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो डॉट वाले प्लेस पे पॉजिटिव पोलरिटी वहाँ पे होगी ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और जहाँ डॉट नहीं है वहाँ पे निगेटिव होगी। उसी प्रकार से इस एग्जांपल में भी देखिए, इस फिगर में भी, कि इसमें आपका क्वाइल वन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्वाइल टू में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन क्वाइल टू में जो करंट फ्लो कर रहा है वह करंट
डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है, डॉट टर्मिनल से ही करंट कॉइल में इंटर कर रहा है, इसलिए इस करंट के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल वन में, तो इसकी पोलरिटी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो जहाँ डॉट टर्मिनल है वहाँ पे प्लस होगी और जहाँ डॉट नहीं है उस वहाँ पे माइनस होगी। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि इफ द करंट लीव्स फ्रॉम डॉटेड टर्मिनल ऑफ वन कॉइल देन इट इंड्यूसेस ए वोल्टेज एट अनदर कॉइल विच इज हैविंग नेगेटिव पोलरिटी एट द डॉटेड टर्मिनल। यानी कि अगर ऐसा केस है कि करंट जो है वो डॉट टर्मिनल को लीव कर रहा है, यानी डॉट से इंटर नहीं कर रहा है कॉइल में, डॉट को डॉट के थ्रू करंट कॉइल को करंट लीव कर रहा है यानी छोड़ रहा है, उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकंड कॉइल में होगा, वो जहाँ डॉट टर्मिनल है वहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी होगी ईएमएफ की, और जहाँ अनडॉटेड है वहाँ पे प्लस होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए कि दो म्यूचुअली कपल्ड कॉइल हैं L1 और L2, डॉट दोनों में दिखाया गया है, दोनों में डॉट दिखाने का मतलब है कि ये कॉइल आपस में म्यूचुअली कपल्ड हैं। कॉइल वन में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो यह करंट जो है वो डॉट वाला टर्मिनल से इंटर नहीं कर रहा है, बल्कि डॉट वाला जो टर्मिनल है वहाँ से करंट ये लीव कर रहा है कॉइल को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। इसलिए इस केस में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकंड कॉइल में, तो जहाँ डॉट रखा गया है उस कॉइल में वहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और जहाँ अनडॉटेड टर्मिनल है वहाँ पे पॉजिटिव होगा पोलैरिटी। उसी प्रकार से इस फिगर में भी देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया है कि फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सेकंड कॉइल में सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है, तो सेकंड कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है यह करंट जो है ये डॉट वाले टर्मिनल से इंटर नहीं कर रहा है, बल्कि डॉट वाले टर्मिनल को करंट ये छोड़ रहा है, यहाँ से निकल रहा है करंट, यहाँ से दूर जा रहा है। तो उस केस में जो फर्स्ट कॉइल में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो जहाँ डॉट लगा हुआ है वहाँ पर इसकी पोलैरिटी माइनस होगी, और जहाँ डॉट नहीं है वो वाला टर्मिनल पर इसकी पोलैरिटी प्लस होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में डॉट कन्वेंशन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द टू क्वाइल्स आर इन द सेम सेंस विथ रिगार्ड टू डॉट मार्किंग देन द फ्लक्स आर एडिटिव एंड द साइन ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज इज सेम एज द सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज। कहने का मतलब ये हुआ कि दो क्वाइल्स हैं, मैग्नेटिक कपल्ड क्वाइल हैं आपस में, और तो उस केस में अगर मान लीजिए कि दोनों कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक में करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो उस केस में अगर दोनों करंट डॉट टर्मिनल के थ्रू इंटर कर रहे हैं, दोनों करंट डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं कॉइल में या लीव कर रहे हैं, दोनों कॉइल अगर सेम सेंस में है, यहाँ लिखा गया है इन द सेम सेंस, कहने का मतलब है कि अगर दोनों करंट डॉट के थ्रू इंटर कर रहे हैं या दोनों करंट डॉट को छोड़ रहे हैं, उस केस में जो इन दोनों के बीच जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एडिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यानी फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और अगर अदरवाइज सबट्रैक्टिव, यानी कि अगर एक कॉइल के थ्रू करंट इंटर कर रहा है, एक डॉट के थ्रू अगर करंट इंटर कर रहा है और दूसरे कॉइल में जो करंट है वो अगर लीव कर रहा है, डॉट को लीव कर रहा है, जैसे कि दूसरे कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से है, करंट यहाँ से जा रहा है, तो एक में तो डॉट के थ्रू करंट इंटर कर रहा है, दूसरे में जो है करंट वो डॉट को छोड़ रहा है, तो उस केस में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सबट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि माइनस का, यानी दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसको और हम डिटेल में आगे देखते हैं। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है कपल्ड कॉइल में, तो उसको हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग जगह पे अगर डॉट रखा हुआ है तो किस केस में जो है वो फ्लक्स ऐड करेंगे, ऐड होगा, या किस केस में वो अपोज करेगा, उसको हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट से दिखाए हैं। तो पहला जो केस है उसमें दो म्यूचुअली कपल्ड कॉइल हैं, और जो कॉइल वन है उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और पहले कॉइल में यहाँ पे इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे में करंट I2 फ्लो कर रहा है,
और जो डॉट रखा गया है दोनों कॉइल में, ये इस प्रकार से रखा गया है, आप देख सकते हैं दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एम है। तो जो फर्स्ट कॉइल है उसमें जो करंट है वो आपका डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है, और जो दूसरा कॉइल है उसका जो करंट है वो डॉट टर्मिनल को छोड़ रहा है, डॉट टर्मिनल से वो इंटर नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एक दूसरे को अपोज करेगा, यानी कि सेम पोलरिटी नहीं होगी, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी वही पोलरिटी नहीं होगी, बल्कि ये सबट्रैक्टिव होगा, यानी कि माइनस होगा। जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो माइनस पोलरिटी के साथ होगा। जैसे कि इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो इसका तो एक तो अपना सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, और इसके कारण जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा L1 डी आई वन बाई डी टी, ये अपने करंट के कारण हो गया इसका। लेकिन जो सेकंड कॉइल के करंट के कारण I2 के कारण जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा फर्स्ट कॉइल में, तो वो होगा आपको एम डी आई टू बाई डी टी, क्योंकि ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और सेकंड कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट कॉइल में। अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, तो चूंकि एक करंट जो है वो डॉट के थ्रू इंटर कर रहा था और दूसरा जो है डॉट को लीव कर रहा है, इसलिए ये सबट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि पहले ये आपका जो इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके साथ ये ऐड नहीं होगा बल्कि सबट्रैक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हमने पहले माइनस लगाया फिर प्लस लगाया। उसी प्रकार से जो सेकंड कॉइल है, तो सेकंड कॉइल का जो अपना इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण इसका जो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होगा एल टू डी आई टू वाई डी टी, ये आपका इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि आई वन के कारण फ्लो होगा, आई वन करंट के कारण इसमें भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो होगा आपको एम डी आई वन बाई डी टी, क्योंकि म्यूचुअली इंड्यूस्ड है और आई वन के कारण कॉइल टू में ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। और इसकी पोलरिटी क्या होगी, पोलरिटी जो है दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि जो आपका ये I1 है वो डॉट के थ्रू इंटर कर रहा है और I2 जो है वो डॉट को छोड़ रहा है, डॉट से दूर जा रहा है, इसलिए जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, यानी कि ये माइनस में के साथ होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, ये सबट्रैक्टिव होगा, यानी कि दोनों ईएमएफ के बीच में माइनस लगेगा। दूसरा जो केस है इसमें हो सकता है इस प्रकार से, डॉट का जो पोजीशन है वो आपका ये आपका आई वन है कॉइल वन का और ये आपका कॉइल टू का करंट है आई टू, तो इस केस में हम ये मान लेते हैं कि जो डॉट रखा गया है वो यहाँ पे हमने ये गलत रख दिया है, हम ये मान लेते हैं कि कॉइल वन का डॉट यहाँ पे है और कॉइल टू का डॉट यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये जो केस है ये दोनों सेम ही हो जाएगा, उस केस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमने ये डॉट का पोजीशन हमने चेंज कर दिया कि कॉइल वन में डॉट यहाँ पे है, कॉइल टू में डॉट यहाँ पे है, तो उस केस में अगर हम देखें कि कॉइल वन के थ्रू जो करंट है वो डॉट टर्मिनल को लीव कर रहा है, डॉट से इंटर नहीं कर रहा है, और कॉइल टू का जो करंट है वो डॉट टर्मिनल को इंटर कर रहा है, यानी कि दोनों सेम सेंस में नहीं है, एक डॉट को लीव कर रहा है, दूसरा जो है डॉट को डॉट के थ्रू इंटर कर रहा है, इसलिए जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस में होगा, और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हो गया आपको एल वन डी आई वन बाई डी टी होगा, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टेंस लिखे हैं, और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होगा एम डी आई टू बाई डी टी, म्यूचुअली एम का मतलब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ होगा ये, और आई टू के कारण हो रहा है, और पोलरिटी होगी यहाँ पे माइनस से प्लस। उसी प्रकार से जो आपका अगर हम सेकंड कॉइल का लिखें तो सेकंड कॉइल का जो अपना इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होगा एल टू डी आई टू बाई डी टी, और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होगा एम डी आई वन बाई डी आई वन बाई डी टी, यानी कि आई वन के कारण इसमें सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको एम डी आई वन बाई डी टी लिखेंगे, और जो पोलैरिटी है वो माइनस में होगी, यानी कि जो ई टू इक्वल टू हम लिखेंगे तो ई टू एल टू डी आई टू बाई डी टी माइनस एम डी आई वन वाई डी टी, यानी कि इस केस में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे ई वन इजकल टू एल वन डी आई वन वाई डी टी माइनस
एम डी आई टू बाई डी टी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा ई टू इजकल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी, और माइनस होगा यहाँ पे एम डी आई वन बाई डी टी। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपको ई वन इजकल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। और सेकेंड क्वाइल का जो अगर हम लिखेंगे इक्वेशन तो हो जाएगा आपको ई टू इजकल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। थर्ड केस जो है डॉट कन्वेंशन में इस प्रकार से हो सकता है कि जो थर्ड केस में दोनों डाउट इस प्रकार से रखे हुए हैं, ये करंट है आपका I1 और सेकंड कॉल का करंट है I2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि L1 जो आपका कॉइल 1 है उसमें जो करंट है वो डॉट टर्मिनल से इंटर कर रहा है, और I2 है वो भी डॉट के थ्रू ही इंटर कर रहा है, यानी कि दोनों सेम सेंस में हैं, दोनों करंट आपका डॉट से इंटर कर रहे हैं। तो उस केस में जब वोल्टेज होगा, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो एडिटिव होगा यानी प्लस में होगा, और ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें हो जाएगा एल वन डी आई वन बाई डी टी, और म्यूचुअली इंड्यूस्ड जो है वो हो जाएगा एम डी आई टू बाई डी टी। म्यूचुअली के लिए एम और आई टू का कारण हो रहा है इसलिए डी आई टू बाई डी टी। और इक्वेशन हम अगर हम इसका लिखना चाहें तो हो जाएगा आपको ई वन इजकल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी और प्लस एम डी आई टू बाई डी टी। उसी प्रकार से सेकेंड कॉइल में अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट लिखना चाहें तो चूंकि दोनों करंट जो है वो सेम सेंस में है यानी कि डॉट को दोनों इंटर कर रहे हैं डॉट के थ्रू, तो इसलिए यहाँ भी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही होगा, पोलरिटी भी वही होगी जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी, और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हो गया आपको एल टू डी आई टू बाई डी टी, और आपका ये प्लस में हो जाएगा एम डी आई वन बाई डी टी। यानी कि अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो हो जाएगा ई टू इजकल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस एम डी आई वन बाई डी टी। उसी प्रकार से ये चौथा केस जो है इसमें जो डॉट का पोजिशन है उसके अनुसार आई वन करेंट और आई टू करेंट ये दोनों करेंट डॉट को लीव कर रहे हैं, डॉट को छोड़ते हुए जा रहे हैं, यानी डॉट से इंटर नहीं करें डॉट को छोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन दोनों सेम सेंस में है, दोनों या तो इंटर करें या तो दोनों लीव करें। तो उस केस में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्लस में होगा ऐड होगा, यानी कि इस केस में अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा ई वन इजकल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी, इसमें करेंट आई वन फ्लो कर रहा है तो इस आई वन के कारण इसका ईएमएफ हो जाएगा एल वन डी आई वन बाई डी टी, और प्लस क्योंकि ये ऐड होगा एम डी आई टू बाई डी टी। उसी प्रकार से अगर हम ये सेकंड वाले इक्वेशन में लिखेंगे तो हो जाएगा ई टू और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई टू, तो आई टू के कारण इसमें जो ईएमएफ होगा वो होगा ई टू इजकल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी, और ये वाला जो आपका है वो ऐड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कॉइल के करंट के कारण हो रहा है एम डी आई वन बाई डी टी। क्योंकि दोनों कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम सेंस में है, यानी दोनों डॉट को छोड़ रहे हैं, इसलिए जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्लस में होगा। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।